का लगभग 12 बजे के लगभग 12 बजे के पास। महोबा जिला के ब्लॉक कबरई अंतर्गत आने वाला पहरा गांव, जहां पर पहाड़ धसने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। लोगों ने बताया कि उस पहाड़ में होल्ड कर रहे थे, जब ही पहाड़ धस गया था और 4 मजदूरों की मौत हो गई थी, वहीं पर 7 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। क्या इस बारी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, आइए जानते हैं लोगों से या प्रशासन से किस तरह से कार्रवाई होगी। क्या काम करते थे? डाई चलाते थे, होल मशीन। डाई जी, तो ये होल कर दिया था जब ये घटना घटी हुई कि नहीं? होल करते हुए घटना घटी, करते हुए ऊपर से चल गई। मृतक के कौन है आप? भाई है मेरा। क्या उम्र है? उसका 30 साल होगा। उनका क्या नाम है? रामपुर जी। क्या करते थे आपके भैया? पहाड़ में काम करते थे। मिली है तुरंत? मिली है सूचना। तो जब आप वहाँ पहुँचे हुए तो किस हालत में पाया है आपने? कितना परिवार है भैया? मेरा, उस जो आपके भैया खत्म हो गए हैं, उसके 2 लड़कियाँ एक लड़का है। कब से काम कर रहे थे उस पहाड़ में? 2 महीना हुआ बाहर रहे हैं, बाहर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। वहाँ पे सूरज से मशीन के हेल्पर भी थे, ऑपरेटर भी थे, होना तो चाहिए वहाँ पे। आपके बच्चे ने बताया कि 4-6 लोग वहाँ दब चुके हैं, आप हमको हॉस्पिटल ले गए, हम तो बेहोश हो गए थे। यहाँ हॉस्पिटल में आप करके थोड़ी हमारे दिमाग फला सही बात की थी हमने, बोले तो वहाँ पहुँच जाओ कदान पर, वहाँ तुम्हारे कुछ अपने भैया जो है वो दब भी गए, वो मिले ही नहीं, तो वहाँ जा करके देख लेना। फिर हम भगे थे और आके यहाँ करके पहुँचे, फिर वहाँ देखा तो मिल गई थी बच्ची हमें, सही उठा दी। अब वो पहाड़ मांग हम नहीं बता सकते, अब तो वही आने की जो हर आए होंगे, हम तो कौन यहाँ के, हम किसान घर में करते हैं, बच्चे पर काम करते थे। वहाँ 1000 होगा वहाँ का, वही का मालिक होगा, जो नहीं हो पहाड़ तो कहीं चल रहे हैं, न जाने कौन मालिक कौन खड़े पहाड़ नहीं है। अभी हमारे बुआ की लड़का थे भैया। क्या नाम था उनका? उनका राम मिलन। पहरे के हैं? हाँ, बाहर जी। नहीं हम लोग नहीं जा, पर हम तो यहीं आए हैं फोन के, हम भैया हमने हम लोग यहीं पे आ गए। अब जो भी अब भैया बिन्नू भतीजे हैं छोटे छोटे से, अब जो लोग भी उनके लाने सहायता जितनी बने तो कर में पड़े उनके, उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब उनके अकेले भैया हती थे और कोई है नहीं, बुआ छोटे में भैया छोटे थे, बुआ खत्म हो गई थी, बस भैया भर आते थे और कोई है नहीं है। ये अकेले बच्चा था और माँ खत्म हो गई थी 6 महीने का, तो उसको उनने पाला, हमने पाला पोसा, वो अकेला बना। अब उनके 2 बच्चे हो गए, एक बच्ची है, तो हमें इसकी खुशी थी कि चलो हम आती हैं। रोइएगा, पेट पालना तो मत तुम्हें तो करता ही है, हैं? लेकिन ये तो उनको देखना चाहिए कि जो यहाँ हमारी लेबर को खतरा हो सकता है या क्या हो सकता है, उसमें हम साफ क्या जाने, मजदूर लोग ये तो मजदूरी के लिए हर जगह भागता है दौड़ता है। आपके 2 बेटे थे, तो एक बेटा काम करता था, कितने दिन से काम करता था? काम करते हुए 2 महीने से ऊपर है जी। एक पढ़ता, छोटा वाला पढ़ता है। क्या करेंगे, गरीब करना पड़ेगा। देखिए अभी हमारे को 1:30 बजे के करीब इसकी इन्फॉर्मेशन मिली और तत्काल में और SP साहब मौके पे आए और हमने देखा ये एक धनराज जी हैं, उनका पट्टा चल रहा है, 2019 से चल रहा है, 10 साल का पट्टा था, वेट पट्टा है। इसमें 5 मजदूर काम कर रहे थे और जैसे लैंडस्लाइड टाइप हुआ, इसमें हमने पूछा तो कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि कोई एक्सप्लोजन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ उसमें ये लोग नीचे दबे, तो उसमें से 2 लोगों को हमने निकाल लिया था रेस्क्यू टीम ने और उनको हॉस्पिटल भेजा गया, उनमें से 1 की डेथ हो गई है, अभी 1 जिंदा है और 2 की यहाँ पर डेथ की हमें सूचना मिली है, अभी हमने जाके भी देखा तो 2 डेथ है और 1 अभी रेस्क्यू हमारा चल रहा है, उसमें देख रहे हैं कि कोई और नहीं, अभी हम और देख रहे हैं, चेक करा रहे हैं। ट्रेन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें हमने अपनी ACVs लगाई हुई है,
वो चेक कर रहे हैं कि अगर कोई अगर ऐसा ना हो कि और भी कोई विपरीत काम चल रहा था। नहीं, नेवा के विपरीत नहीं था उसमें, अभी तो डिटेल जांच में पता कर रहे हैं। प्राइमो फैसी तो ऐसा कोई लग नहीं रहा कि कुछ इलीगैलिटी थी इसमें, वैध पट्टा है, हमने चेक भी करा लिया और वो धनबाद जी हैं पट्टेधारक। तो उसमें हम नियम के अनुसार हमने यहाँ पर हमारे डीजी बैठते हैं वहाँ पर उनको इन्फॉर्म कर दिया है गाज़ियाबाद में माइंस, वो आके इसकी जांच करेंगे और हम अपने स्तर से जो भी हमारी कार्रवाई कर रहे हैं उसमें। एक लड़की की शादी होने लायक हो गई है, 12 साल की है, तो 3 साल बाद उसकी शादी करना पड़ेगा। लड़के को पढ़ाई भी चाहिए, पढ़ाई है बहुत खर्च होते हैं, मजबूरी में तो करता ही है, शौक है कोई जाने का बाहर। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बनें। खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को देखने के लिए आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।